Hey beauties, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. So today I'm going to talk about something very interesting. So guys, when I upload these two videos on my Instagram, YouTube and Facebook, you guys ask me a many question regarding these tapes. So these are two different products. First one is this fashion dressing tape and second is this dot accessory tape. So today I am going to answer all your questions regarding these two tapes. So these two tapes are from Slick Fix and trust me, I love these. Wrote all the questions जो आपने मुझसे पूछे थे, जो common थे, मतलब मैंने सारे questions यहाँ पे लिख लिए हैं, तो मैं आज सब इन questions का आपको जवाब दूंगी. तो पहला question आप लोगों का मुझसे ये था कि क्या ये collaboration है. तो yes guys, उस time जब मैंने इस brand से मेरी बात हुई थी तो उस time मुझे मतलब पता ही नहीं था कि मार्केट में फैशन टेप नाइप की कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है. तो उस टाइम मेरा ये कोलैबोरेशन था और तब से अब तक मुझे यूज़ करते करते इन टेप्स को नियर बाई 3 months हो गए हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि इनके प्राइस क्या है, मतलब क्या ये अफोर्डेबल है. तो मतलब जो इनका प्राइस है दैट इज़ 499 ईच, ये भी 499 का है और ये फैशन टेप भी 499 का है. इसमें भी आपको 36 टेप्स मिलते हैं, इसमें भी आपको 36 टेप मिलते हैं. तो अब अफोर्डेबल डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग है कि मतलब 500 रुपीज़ में 36 पीस आपको मिल रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ये आपको अफोर्डेबल लगते हैं या नहीं लगते हैं, क्योंकि सबका बजट थोड़ा ऊपर नीचे होता है. तो मेरे अकॉर्डिंग ये मुझे बहुत अफोर्डेबल है और क्योंकि इनकी क्वालिटी इतनी अमेजिंग है, तो 500 रुपीस में मतलब दीज आर लिटरली अमेजिंग. नेक्स्ट आपने पूछा था डज इट हार्म योर स्किन, तो नो, मैंने ये पिछले 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ, ये मेरी स्किन को बिल्कुल भी ना तो कुछ इरिटेशन हुआ है ना किसी तरह की कोई एलर्जी हुई है, तो मेरी स्किन पे इन्होंने कोई भी ऐसा मतलब हार्म नहीं किया है. तो यस, इट डजेंट हार्म योर स्किन. नेक्स्ट आपने मुझसे पूछा था कि क्या सेंसिटिव स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, तो मेरी सेंसिटिव स्किन नहीं है, आई एम ए नॉर्मल स्किन टाइप पर्सन, तो मेरी स्किन पे ये मतलब बिल्कुल भी इन्होंने हार्म नहीं किया है. बट फिर भी मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगी, इफ़ यू आर ए सेंसिटिव स्किन टाइप पर्सन, आप एक बार छोटा सा पैच टेस्ट ले लीजिए. वैसे मुझे नहीं लगता कि आपकी स्किन पे कोई भी हार्म करेंगे. नेक्स्ट यू आस्क मी व्हाट इज़ द स्टेइंग पावर. तो स्टेइंग पावर की इसकी अगर जो बात करें तो मैंने जो इसको लॉन्गेस्ट टाइम के लिए यूज़ किया है दैट इज़ 8 आवर. तो मैं इसको 8 घंटे के लिए मैंने यूज़ किया, 8 घंटे में ना तो मेरी स्किन पे कोई प्रॉब्लम हुई है और ये 8 घंटे बिल्कुल मेरी स्किन पे और जो मैंने फैब्रिक पे और स्किन पे मतलब दोनों पे ये 8 घंटे बहुत ईजिली रहा है. तो एट आवर्स, तो यार 8 आवर इज़ अ वेरी लॉन्ग आवर, आपकी कोई भी पार्टी फंक्शन कुछ भी है 8 घंटे में निमट जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऑन विच फैब्रिक वी कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट. तो ऑलमोस्ट आप सारे फैब्रिक्स पे इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, लाइक वूलन, सिल्क, सैटिन, जॉर्जेट, कॉटन, एवरीथिंग. सिर्फ वूलन में एक जो मटेरियल होता है ना जिसपे मतलब थोड़ा सा मतलब उसका जो टेक्सचर बहुत रफ सा होता है, उसमें आपको इसको पेस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी. हो सकता है कि आपको एक टेप की जगह 2 टेप यूज़ करने पड़े, बाकी ऑलमोस्ट एवरी फैब्रिक पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे फैब्रिक पे यूज़ किया था. सिर्फ एक मेरा एक शॉल था जिसमें मुझे बहुत हल्का सा दिक्कत आई, बट उसमें मैंने जब 2 टेप यूज़ करे तो वो बहुत अच्छे से स्टिक हो गया. तो ये है कि आप उसको सारे फैब्रिक्स पे यूज़ कर सकते हो. डज इट ट्रांसपेरेंट, तो बट ऑब्वियस ही बात है यार, फैशन टेप है तो ये ट्रांसपेरेंट ही होगा, मतलब आपको कहीं भी ये टेप इस टाइप से है तो दोनों तरफ इसके पहले मतलब क्या बोलेंगे इसको, ये एक कवर टाइप लगा हुआ है तो इसको हटाएंगे आप दोनों तरफ से, उसके बाद ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. तो मतलब देखिए, सो ये जो टेप है ये ट्रांसपेरेंट है. अब आप इसको यहाँ पे अपनी स्किन पे लगाने के बाद ऊपर से कुछ भी लगाएंगे तो मतलब ये ज़्यादा दिखाई नहीं देता, तो बहुत अच्छे से ये छुप जाता है. तो या इट इज़ ट्रांसपेरेंट. डज इट लुक बैड ऑन क्लोथ्स और स्किन? नो, नेवर. मतलब जब ये छुप जाएगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि बैड और गुड लुक लगने का कोई मतलब बनता है, क्योंकि आप जैसे मान लें इसको यहाँ पे लगाएंगे, अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये टेप है. अब आप इसको मान लीजिए यहाँ पे पेस्ट करके ये है, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा जब तक बहुत अच्छे से आप इसको देखेंगे नहीं कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है. अब मैंने इसको यहाँ लगा दिया, अब ये कुछ दिख भी नहीं रहा है तो आपको कैसे लगेगा कि ये गुड लग रहा है या बैड लग रहा है, जब आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपने कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है तो गुड और बैड का तो मतलब ही नहीं है. तो मतलब ये दिखता नहीं है, और अगर जो आप थोड़ा बहुत कहीं दिख भी रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये बुरा लगेगा. अब आपने पूछा है डज यू लाइक द क्वालिटी? येस ऑफकोर्स आई डू लव, मतलब मुझे इसकी क्वालिटी इतनी पसंद आई कि आई ऑर्डर देयर 2 मोर प्रोडक्ट्स. दिस इज देयर अंडर आर्म स्वेट पैड एंड ईयर लोब टेप.
तो ये भी कुछ इसी टाइप से है, इसकी पैकेजिंग जैसे फैशन टेप की है। तो मैंने मतलब मुझे इसकी क्वालिटी ट्रस्ट में इतनी पसंद आई कि मुझे लगा कि इनके और प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्राई करके देखने चाहिए। तो मैंने ये एक इनका स्वेट पैड मंगाया है अंडर आर्म्स के लिए, और ये एक ईयर लॉक, दोनों की क्वालिटी इतनी पसंद आई थी कि मतलब ये मेरे गो टू प्रोडक्ट बन गए हैं कि कोई दिन ही ऐसा जाता है कि मैं कोई अपना स्टाइलिंग कर रही हूँ तो मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करती। ऑलमोस्ट मैं अपनी हर स्टाइलिंग वीडियो, हर स्टाइलिंग मतलब ड्रेस में, या फिर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और मुझे कोई स्टाइल करना है अपना कोई भी क्लोथ या कुछ भी, तो मैं ये ऑलमोस्ट 90% ये टेप यूज़ करती ही करती हूँ। तो इनकी क्वालिटी मुझे इतनी पसंद है, और ट्रस्ट में पिछले 3 महीने से जब से मैंने यूज़ ये करना शुरू करा है तब से कोई एक या दो ही बार होगा कि मैंने अपनी साड़ीज़ के लिए सेफ्टी पिन यूज़ किया है, या फिर मतलब कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही पड़ गई है सेफ्टी पिन की तो ही यूज़ किया है, नहीं तो मैं ऑलमोस्ट ये फैशन टेप ही यूज़ कर रही हूँ अपनी साड़ी को भी स्टाइल करने के लिए। सो या दैट मच आई लव द क्वालिटी। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ डज इट हार्म द फैब्रिक, तो वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि फैब्रिक को हार्म नहीं करता। तो आई टेक दिस कॉटन साड़ी, कॉटन मटेरियल बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, तो ये आई एम यूजिंग दिस फैब्रिक टेप। ये दो एंड्स को मैं एक साथ पेस्ट कर रही हूँ इस साड़ी के, तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो गए हैं, बहुत अच्छे से मैंने इन्हें स्टिक कर दिया। अब मैं इसको रिमूव कर दी, एंड यू कैन सी बिल्कुल भी फैब्रिक पे कोई भी असर नहीं हुआ है, और ये पूरा टेप रिमूव करने के बाद भी एज इट इज़ है फैब्रिक। तो नाउ आई टेक अ वुलन स्वेटर, ये भी मैंने इस पर पेस्ट किया है, ये पूरा वुलन है, और ये मैं इसको रिमूव करूँगी, एंड यू कैन सी ये बिल्कुल भी फैब्रिक को हार्म नहीं कर। नाउ आई टेक माई वेलवेट स्वेटर, जो वेलवेट की ऊपर से जो टेक्स्चर होता है उसके फैब्रिक का, वो बहुत डेलिकेट होता है, वो वहीं से ख़राब होता है। तो आई एम यूजिंग दिस टेप, एंड नाउ यू कैन सी कि इसने इस मटेरियल को भी बिल्कुल भी हार्म नहीं करा है। तो आपका ये कोई भी मटेरियल पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये कोई कपड़ा आपका ख़राब नहीं करेगा। So guys, hope I answered all your questions regarding these fashion tapes. And trust me guys, I highly, highly recommend these tapes. आप एक बार कोई भी एक product use करके देखिए, trust me, आपको इतना पसंद आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार इनके और भी product use करके देखने चाहिए। तो trust me, I highly recommend these product. आप सबसे पहले fashion tape ही use करके देखिए, क्योंकि उसको आप काफ़ी multiple ways में use कर सकते हैं, तो वो बहुत ही versatile product है, मतलब आप उसको काफ़ी तरीके से use कर सकते हैं। तो आप पहले उसको try करके देखिए, आपको इतना पसंद आएगा कि आप इनके और भी प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो या आई हाईली रिकमेंड दीज प्रोडक्ट। सो अगर जो और भी कुछ आप इनके बारे में पूछना चाहते हैं जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैं मिस कर गई हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जरूर आपका जवाब दूंगी, या जो भी कुछ आप पूछना चाहते हैं, या आप मुझे DM भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो गाइज, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे ब्यूटीफुल।